Welcome to Blind Tech Official Tutorials. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hi friends, मैं हूँ सचिन मलिक और आज हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेकर स्मार्ट वॉइस TTS। हमारे बहुत से फ्रेंड ऐसे हैं जो स्मार्ट वॉइस को यूज करना चाहते हैं लेकिन उनको सेटिंग करते वक्त कन्फ्यूजन होता है, कन्फिगर नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक ट्यूटोरियल मेरी तरफ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। हम जाएंगे फाइल मैनेजर में। ये फाइल मैनेजर ओपन हो चुका है। अब हम इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे। अब हम डाउनलोड के फोल्डर में जाएंगे। ये है हमारी स्मार्ट वॉइस एक zip फाइल है, क्योंकि ये एक फोल्डर होता है, एक APK होता है। ठीक है, फोल्डर को हम इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट करेंगे और APK को इंस्टॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो करते हैं एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर एक्सट्रैक हो चुका है। अब हम यहाँ देख कौन सी फाइल है। ये स्मार्ट वॉइस का फोल्डर मैंने ओपन किया। अभी देखते हैं इसके अंदर है क्या। वोकलाइजर एक्स का ये फोल्डर है। ये इसके अंदर वोकलाइजर ये जो स्मार्ट वॉइस की वॉइसेज हैं। ये है APK स्मार्ट वॉइस का। यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें अब स्मार्ट वॉइस का ये जो वोकलाइजर एक्स का फोल्डर है, इसको यहाँ से मूव करके या फिर कॉपी करके इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम APK इंस्टॉल करेंगे। अगर आपने APK को पहले इंस्टॉल कर दिया तो वो वर्क नहीं करेगी स्मार्ट वॉइस। तो हम इसको इंटरनल स्टोरेज में भी पेस्ट करते हैं। ये मैंने वोकलाइजर एक्स के फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं मूव टू, कॉपी टू, या फिर कॉपी कर लो या मूव कर लो। मैं मूव कर रहा हूँ। ये मैंने मूव किया। अब ये इंटरनल स्टोरेज आ गया है, इस पर डबल टैप करता हूँ मैं। यहाँ पे भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर फोल्डर में हमें इस स्मार्ट वॉइस एक्स वोकलाइजर एक्स के फोल्डर को पेस्ट नहीं करना है, तो यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में बाहर ही हमें इसको पेस्ट करना है। अभी मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। और ये यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अभी इसको स्मार्ट वॉइस के APK को इंस्टॉल कर रहे हैं। अभी ये फ्रेंड्स इंस्टॉल हो रहा है। ये मैंने डन किया। अभी हम बाहर जा रहे हैं बिल्कुल। अभी मैं यहाँ पर
एल बनाऊंगा, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन करूंगा। ये ओपन हो गया है। यहाँ हम टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में जाएंगे। ये टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हमें स्मार्ट वॉइस को ढूंढना पड़ेगा। ये आ गई हमारी स्मार्ट वॉइस। अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ। ओके कर देना मैं यहाँ इसको। और ये देखिए, ये स्मार्ट वॉइस डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट हो चुकी है। डिफ़ॉल्ट के रूप में मैंने इसको सेट किया है और ये लैंग्वेज ही बता रही है, ये लेखा की लैंग्वेज है। तो ये अभी इसकी लॉन्च इंजन सेटिंग में जाना पड़ेगा स्मार्ट वॉइस की। यहाँ लॉन्च इंजन सेटिंग में हम जाएंगे। यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। हमें एक बार उसके अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर लैंग्वेज सेट करनी पड़ेगी हिंदी। हाँ, क्योंकि हम ये जो स्मार्ट वॉइस है इसको ऑटोटीटीएस की तरह ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये हमारी हिंदी भी में लिखा पड़ेगी और इंग्लिश में जो दो तीन वॉइसेज हैं वो मैं दिखाऊँगा आपको, वो रीड करेंगी। और यहाँ पर मैं अभी ओपन कर रहा हूँ लैंग्वेज को। यहाँ पे देखिए, हिंदी इंडिया, चेक हिंदी, हिंदी लेखा, रशियन, इसको मैं चेक, ये हमारे मतलब की नहीं है रशियन रशिया। यहाँ हम चेक करेंगे हिंदी इंडिया लेखा को। ये मैंने लेखा को चेक किया। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल जो नया अपडेट आया है स्मार्ट वॉइस का, उसमें नील की वॉइसेस भी दे के रखी है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो वर्क नहीं कर रही है। तो इसलिए हमें यहाँ पर लेखा को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। लैंग्वेज में ये आपकी हिंदी की रीड करने के लिए लैंग्वेज सिलेक्ट हो गई है। अभी इंग्लिश रीड करने के लिए हम दूसरी लैंग्वेज, प्राइमरी लैंग्वेज सिलेक्ट करने जा रहे हैं। सेटिंग फॉर स्मार्ट वॉइस के अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आते हैं। स्मार्ट वॉइस सेटिंग, रिफ्रेश वॉइसेज लिस्ट, जर्नल सेटिंग, वॉइसेज असाइनमेंट, पर वॉइस सेटिंग, ऑटोमेटिक लैंग्वेज सेटअप। हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा वॉइसेज असाइनमेंट के अंदर। अब मैं स्क्रॉल करते हुए बिल्कुल लास्ट में जा रहा हूँ। प्रिपेयर फोनेटिक लेटर्स ऐसा बोल रहा है ये, हमें इसके अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ हमें मिलेगी करण, डैनियल, समंथा को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वॉइसेज अच्छी लगती है। और ये इंग्लिश के लिए तीन वॉइसेज हैं, करण, समंथा और डैनियल। मैंने यहाँ समंथा को सिलेक्ट किया। ये देखिए समंथा यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है और समंथा बोलने भी लग गई है अभी। ओके फ्रेंड, अभी एक दो फंक्शन और बता रहा हूँ मैं इसके। ये यहाँ पर नंबर प्रोनाउंसिएशन के लिए वॉइसेज हैं। जब भी मतलब कोई नंबर आता है, रीड करते हैं नंबर,
जैसे कोई फ़ोन नंबर है या फिर अदर कोई नंबर है तो उसको रीड करने के लिए यहाँ पे तीन चार वॉइसेज हैं, करण, डैनियल, सुमंता। तो यहाँ पे हम जो चाहे रख सकते हैं, ठीक है, चारों में अच्छा लगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर इमोजीज प्रोनाउंसिएशन के लिए भी हम वॉइस रख सकते हैं, ये दिखाते हैं हम आपको। करण को रख सकते हैं, डैनियल को रख सकते हैं, समंथा को, लेखा को, आप जो चाहे यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने लेखा को रखा है, ठीक है, और इमोजीज प्रोनाउंसिएशन के लिए, क्योंकि हिंदी मैसेज में इमोजीज बीच बीच में आते रहते तो अच्छा नहीं लगता, कोई और टीटीएस बोले, कोई और वॉइस बोले। तो यहाँ पे लेखा को सिलेक्ट किया मैंने, मैं आपको भी यही रिकमेंडेंट करूँगा। अभी मैं बैक जा रहा हूँ। अभी मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा कि हिंदी और इंग्लिश रीड कर रही है या नहीं कर रही है स्मार्ट वॉइस। तो ये अभी नेविगेट कर रहा हूँ तो ये इंग्लिश में इसमें इनका पढ़ ही रही है, तो आपको हिंदी का डेमो करके दिखाता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप है और मैं इसको ओपन करता हूँ। ये मेरा एक ग्रुप है अल्फाज़ मोहब्बत, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ हिंदी मैसेज रीड करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर लेखा ने बिल्कुल अच्छे से हिंदी में इसको रीड किया है और इमोजीज आई तो उसको भी रीड किया है, तो यहाँ पे अच्छा लगा। लेखा ही इमोजीज रीड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैसेज के बीच में ही वो इमोजीज थी। अभी हम बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पर स्मार्ट वॉइस का ट्यूटोरियल पूरा हो चुका है। तो कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल, और मुझे बताना, मैं पहली बार ये ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई गलती हो तो माफ़ करना। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में भी आया होगा। I hope you understand this tutorial. Please subscribe my channel. Please like this video. Please share this video. Join my WhatsApp group. My number is 9014136018 and 9730363019 2. Email address blindtech.info@gmail.com. That is blindtech info@gmail.com.